अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वंडर किचन। जी फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट एक पराठा ब्रेकफास्ट स्पेशल। इसके लिए हमें मैदा चाहिए 2 कप, प्याज मैंने बारीक चॉप कर ली है 1/2 प्याली, 2 टेबलस्पून के बराबर होगी, वो भी हम डाल देंगे। 1/2 प्याली मैंने टमाटर बारीक काटे हैं, वो डालेंगे। शिमला मिर्च मैंने 2 टेबलस्पून लिए, वो भी बारीक चॉप किए, वो भी हम डाल देंगे। हरी मिर्च बड़ी वाली मैंने लिए 2 अदद, वो भी डाल दूंगी। आलू यहाँ मैंने कद्दूकश कर लिया है, इसे चिल्ड पानी में रखा है। इसकी वजह यह है कि अगर हम पानी में इसको नहीं रखेंगे तो आलू भी काले हो जाएंगे और इसका स्टार्च भी नहीं निकलेगा। मैं पानी खुश करके आलू भी डाल दूंगी। इसके अलावा भी आप चाहें तो और दूसरी सब्जियां भी डाल सकते हैं, और जो ना चाहें तो उसमें से आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैं 2 कप मैदा है तो 4 अदद अंडे लूंगी। अब हम 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, 1 टीस्पून ही हम कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून में गार्लिक पाउडर भी ऐड करूंगी, लास्ट में मैं इसमें 1 प्याली चीज डालूंगी, जो मोजरेला और चेडर चीज दोनों मिक्स करके मैंने श्रेड कर ली है। सबको पहले हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फिर पानी डाल के मैं इसे इसका बैटर बना लूंगी। अच्छी तरह बीट हो चुका है और बस हमें इतना ही थिक चाहिए। 10 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे राइज होने के लिए, फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं राइस किए हुए, अब मैं इसके पराठे बनाऊंगी। इन पराठों में तेल ज्यादा नहीं चाहिए, बस 1-1 टेबल स्पून के करीब आप डाल दें। लो फ्लेम पे हम पराठे बनाएंगे। पराठा पलटने से पहले मैं यहाँ भी थोड़ा ऑयल ग्रीस करूंगी। हमारा मजेदार चीजी पराठा तैयार है, इसी तरह हम सारे पराठे डालते रहेंगे।
इंशाल्लाह हमारे मजेदार पराठे तैयार हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी जरूर दें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें।